19 रन एक ओवर में, उससे पहले वाले ओवर में आए थे 17, तो दो ओवर्स ने खेल बिगाड़ दिया है। और याद रखिए अखिल ने कैच भी छोड़ा था, कैप्टन ही'ड बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। कुछ ना कुछ तो अब बदलने की जरूरत है क्योंकि स्कोरिंग रेट है लगभग 12 के आसपास। देखिए एक चीज है रमना, इस T10 की अगर आप बात करें ना, अपने जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है उनका ऊपर भेजते, देखिए कितने दर्शक आए हुए हैं, कितनी तादाद में आए हुए हैं। जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहा है, शाम हो रही है, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, और कैसे यहाँ पे दर्शकों का एक बड़ी तादाद नजर आती हुई। 48 रन की है सायदारी 27 गेंदों में। एक बार फिर अजय वो फ्रेज सुनना चाहता हूं आपसे एक बार और। यार आपके लिए तो कुछ भी बोलेंगे रमन, क्या बात कर दी, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, क्या बात है। चलिए फिलहाल नंदा आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। What's interesting is Ajay, at one end is Yusuf, he's at the non-strikers end on 21. Now he was the man of the match, remember, in the previous game that the Bengal Tigers won. On strike, Uday Pratap, he's got a strike rate of 200 right now, 30 of 15 balls. Oh, there he goes again, and that's going to be maximum. 50 of the partnership comes up with that six. उदय प्रताप ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लेंथ को पिक कर रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं, तीन छक्के लगा चुके हैं, तीन ही बाउंड्रीज लगा चुके हैं, जैसे हम कहते हैं इनका स्ट्राइक रेट है यूसुफ से भी कई गुना आगे निकल गए हैं। ये इतनी आसान शॉट नहीं है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, अपना पांव हटाया और स्क्वेयर लेग के ऊपर से खेलते हुए। एक खिलाड़ी वहां पे तैनात था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र दर्शक ही रह गया। करंट पार्टनरशिप 54 रन की। एक बार फिर मिस कर गए, निराश होंगे क्योंकि उसी गैप को ढूंढ रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को दो तीन बार ट्राई किया बीट करना, कर नहीं पा रहे हैं, पर सोच सही। ये गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, आप लेंथ पे थी। मिस्टर किनी ऑफ कोर्स ओनर हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के, इस बार बॉल गई गैप में, जहां खेलना चाहते थे वहां गई। उदय प्रताप के नाम चार और, आज कैसे रोकेंगे इनको, बहुत कठिन नजर आ रहा है। जहां चाह रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं, इस बार जानबूझ के थोड़ा सा बल्ले का मुंह खोलते हुए, जानते हैं कि अब शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी है, खिलाड़ी या शॉर्ट पॉइंट पे है। 10वां चौका आता हुआ इस इनिंग्स का, 3 छक्के भी लग चुके हैं और तीनों छक्के इनके बल्ले से आए हैं, उदय प्रताप के बल्ले से। बेंच पे नजर डालिए, सपोर्ट स्टाफ, ओनर्स, टीम मैनेजमेंट सब खुश। Oh, another cracker. This is going to be more runs. There is a fielder in the outfield. Two more. He's playing shots all around the park. You see him drive. You've seen him play the square drive now. He's played the cut and the pull. He's moved up to 42. Char boundaries. 3 sixes. Ye 34 run, yani 34 of the 42 have come by boundaries or sixes. इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्या ऊंची लगी गेंद, इंपैक्ट कहां पे था, ये दिलचस्प रहेगा। एम्पायर प्रभावित नहीं, बहुत विश्वास भरी अपील थी, इंपैक्ट कहां पे था, लाइन में था, ऊंची लगी, क्या हुआ? स्लोअर रिलीज था एक तो, सही बात, नंदा की ज्यादा गति से गेंदबाजी नहीं करी, बैक लेग पे लगी है, मिडिल स्टंप की लाइन में लगी है, हाइट एक ही ऐसी चीज है, अंपायर भी यही कह रहे थे, शायद हाथ दिखा के कह रहे थे ऊंचाई, क्योंकि नी रोल के ऊपर था। चलिए डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त, 83 पर एक।